चलिए आइए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए बाइसाइकिल मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितना मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ विथ एन एक्सलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आपके एक्सलरेशन क्या दे दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। उसके बाद फिर क्या है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी वी आफ्टर 5 सेकंड, एंड 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी टाइम कितना पूछ रहे आपका 5 सेकंड दे दिया। एंड हाउ फार विल इट मूव ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस समय में आप कितना दूरी तय किया, आपको ये निकालना है और आपका वेलोसिटी निकालना, यानी भी पूछ रहा है आपको, यू दे दिया है, कितना दे दिया है बाबू 3 मीटर पर सेकंड। फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक साइकिल है, सपोज दिया साइकिल है, तो साइकिल जा रहा है कितना का स्पीड से 3 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से, सॉरी 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है, और उसका स्पीड कितना इंक्रीज हो रहा है 0.5 मीटर हर प्रति सेकंड में, कितना इंक्रीज हो रहा है 0.5 मीटर। टाइम दे दिया है कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी कितना डिस्टेंस तय करेगा, और इसका भीक मैंने मान लिया। सिंपल फॉर्मूला भी बराबर यू प्लस वी से चल रही है, भी कितना हो जाएगा, यू कितना है 3 प्लस ए कितना है 0.5 अगुना, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा, इसे यदि हटा दीजिएगा यानी 10 यानी 3/25 यानी 2.5 क्या हो जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड भी का वैल्यू, भी का वैल्यू क्या आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकंड आपका किसका वैल्यू आ गया भी का। अब आपको बच का क्या, अब आपको बच गया है एस निकालना, एस भी निकाल दीजिए, एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से चल जाइए, एस यू कितना है 3 गुना टाइम कितना 5 सेकंड प्लस हाफ एक क्या होगा 0.5 टाइम का वैल्यू क्या आएगा 5 गुना 5, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा 3/15 डेसिमल अधिक हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, अब गुना कर 5/25 125/10 यानी 12.5/2 आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्या हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा 6 ना, यहाँ दे दिखे लीजिए 12.5/2 यानी 6.25 हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा 21.25 मीटर डबल आंसर आ गया, एस का वैल्यू क्या आएगा 21.25, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, कोई बॉल है उसको ऊपर की ओर क्या किया गया है फेंका गया है, इट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इन 2.5 सेकंड, यानी 2.5 सेकंड में क्या कर रहा हो अपना मैक्सिमम रीच पहुंच जाता है। इफ द एक्सलरेशन ऑफ द बॉल इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, वो ग्राउंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है इसका एक्सेलरेशन, यानी गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको कर सकते हैं, डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ग्राउंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मतलब क्या है कि यू क्या होगा से निकालना है। अब आप सपोज कीजिए यदि गेंद को हम ऊपर फेंकेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट पर जाकर रुकेगा, जिस भी पॉइंट पर रुकेगा इसका मतलब क्या है उस समय पर उसका वेलोसिटी क्या है 0 है, इसका मतलब क्या होगा लास्ट जो वेलोसिटी हो क्या है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड, ठीक है। अब सब कुछ आपको दे दिया है ना, यू निकालना है तो सिंपली हम कहां से यू निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी एस, वहां से निकल जाएगा, आइए देखते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वी कितना है 0 तो 0 रहने दीजिए, यू कितना है निकालना है 2a s 2, एक अच्छा एस तो सॉरी आपको क्या दे दिया है, भी दे दिया है, ए दे दिया है, टी दे दिया है, यू निकालना है ना, एक इक्वेशन आप जानते हैं भी बराबर यू प्लस ए टी, उसे चलिए भी क्या है 0
क्यू निकालना है, ये कितना आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10 मीटर पर सेकंड है, पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ, ऑब्वियसली निगेटिव होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, टाइम कितना है 2.5 सेकंड, यानी जीरो बराबर यू बराबर क्या हो जाएगा 25, देखिए 2.5 से डेसिमल हटा 10 आया ना, 10 से 10 कैंसिल आएगा, माइनस यू माइनस 2.5 सॉरी 25, यू बराबर क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, एंड इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो गया 25 मीटर